इलॉन मस्क भारत आने वाले हैं, और वो जब आपसे अमेरिका में मिले थे तो वो आप उन्होंने कहा था वो आपके प्रशंसक हैं, इज़ अ फैन ऑफ योर्स। क्या हम भारत में टेस्ला कार, स्टारलिंक ये सब देखेंगे? और इससे जुड़ा एक सवाल था कि क्या इस जब ऐसे कंपनीज भारत में आएंगे तो क्या नौकरियां बढ़ेंगी? क्योंकि बहुत से लोग चाहते हैं कि, और थोड़ा भय भी है कि जब ये इंटरनेशनल कंपनीज भारत आएंगी तो क्या भारत में नौकरियां होंगी नहीं होंगी, इन दोनों पर पूछना चाहती हूँ मैं। देखिए, पहली बात है, एलन मस्क मोदी के प्रशंसक है, वो अपनी जगह पे है, मूलतः वो भारत के प्रशंसक है। और मैं अभी उनको मिला ऐसा नहीं, मैं 2015 में उनकी फैक्ट्री देखने गया था, वो कहीं बाहर थे, तो स्पेशली अपने सारे कार्यक्रम कैंसिल करके वो वापस आए, मुझे सब चीज़ें खुद ने अपनी फैक्ट्री में दिखाई, और उनका विजन क्या है वो मैं उनसे समझा। मैं अभी गया तो दोबारा भी उनसे मिला था, और अभी वो भारत आने वाले भी हैं। देखिए, भारत में पिछले 10 साल में दुनिया भर से हर क्षेत्र में पूंजी निवेश हो रहा है। अब हमारा ईवी मार्केट, इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट कितना बड़ा बना है, आपको जानकर के हैरानी होगी कि कितना बदलाव आया है, लोग पकड़ नहीं पाते। 2014-15 में हमारे देश में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल थे, 2000 बिके थे, 14-15 में 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे, 2023-24 में 12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। कहाँ 2000 और कहाँ 12 लाख। इसका मतलब इतना बड़ा चार्जिंग स्टेशन का नेटवर्क बना है, पर्यावरण को बहुत बड़ी मदद मिली है, यानी एक प्रकार से, और उसको लेकर के हमने आपको एक पॉलिसी का रूप दिया है। हमने दुनिया को कहा कि भाई भारत बहुत तेजी से ईवी पे जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं वो आना चाहे आइए। इतना ही नहीं, हम मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में निवेश आना चाहिए, क्योंकि भारत में वो चीज़ें जिसमें भले पैसा किसी का भी लगा हो, पसीना मेरे देश का लगना चाहिए, उसके अंदर सुगंध मेरे देश की मिट्टी की आनी चाहिए, ताकि मेरे देश के नौजवानों को रोजगार मिले। और मैं उसके लिए, आप देखिए, गूगल उसका बड़ा काम यहाँ कर रहा है, सैमसंग यहाँ पर आया, एप्पल बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर आया, हमारे यहाँ वडोदरा के अंदर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए काम शुरू हुआ, सेमीकंडक्टर के लिए अभी तो ताइवान के एक लीडर का बड़ा अच्छा बयान भी आया। यानी हम हर क्षेत्र में चाहते हैं कि लोग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, हम चाहते हैं कि लोग पूंजी निवेश करें, हम चाहते हैं कि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार मिले जी। मैं ये अब मुझे मंजूर नहीं है कि मेरे देश के गेहूं बाहर जाए और ब्रेड में बाहर से लूँ, मैं ऐसा नहीं चलाऊँगा। जो भी करूँगा मेरे देश में करूँगा, मेरे देश के नौजवानों के लिए करूँगा, और मैं इसके लिए नीतियाँ भी बनाता हूँ, हिम्मत के साथ बनाता हूँ, और लोग आ भी रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं।